चलिए मैं आपको आलू की भरता बनाने के लिए अच्छी से अब बहुत सरल तरीके से रेसिपी बताऊंगी। शुरुआत करते हैं। हरिओम, कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका स्वागत है। आइए आज आलू के भरता बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा अदरक और मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन मैंने लिया है भरता के लिए, और आलू उबालकर इसे मैं भरता बनाऊंगी। ये 6 पीस आलू को मैंने 3 सीटी लगाकर आलू को बॉईल कर लिया, और अब चलिए मिर्च कर भरता बनाते हैं। देखिए सारे आलू को छीलकर मैंने हाथ से तोड़ लिया। अब फ्राई पैन चढ़ाकर इसको फ्राई करती हूँ। गैस चालू कर दिए, अब इसमें फ्राई पैन चढ़ा देती हूँ, गरम होने देते हैं, तब इसमें सरसों का तेल डालती हूँ। इसमें सरसों तेल मैंने डाल दी। अब इसको गरम होने देती हूँ। गरम हो गया है, अब इसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा फ्राई होने देते हैं। इसको मीडियम आंच में अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें मैं एक प्याज कटा हुआ है उसको भी डाल देती हूँ, टमाटर भी, और मीडियम आंच में इसको फ्राई होने देती हूँ। तो देखिए अच्छी भून गई है मेरी, कलर भी बदली हो गया, टमाटर भी थोड़ा गल गया, थोड़ी सी लाल मिर्च, आपको देने का इच्छा हो तो दीजिए, नहीं तो नहीं भी दे सकते। जो तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा लाल मिर्च देने का इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दीजिए, कोई बात नहीं। अब इसमें मैं आलू डाल देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार, इसको लेकर सारा मिक्स कर लें। देखिए कितनी बढ़िया भूज कर तैयार हो गया है। मेरा खाना बनाना भी शौक है और बताना भी अच्छा लगता है कि सबको आए खाना बनाना। अगर सब्जी से मन उब जाए तो कभी कभी ये आलू का भरता बहुत अच्छा लगता है खाने में। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, दाल चावल और भरता ले लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ क्योंकि अब मेरा भरता तैयार हो गया है। ये देखिए मेरा फाइनल तैयार हो गया है आलू का भरता। अगर धनिया आपके पास ज़्यादा हो तो डाल सकते हैं, हमारे पास आज नहीं था, थोड़ा सा था तो मैंने ऊपर से सब कर दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। हमारे